हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वाति's ब्लॉग। मैं हूँ स्वाति और दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। आज से हम ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और आज है 21 जनवरी 2022 और आज मनाया जा रहा है संकट चौथ। तो हम आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, तो चलो हमारे साथ। गाइस, आज हम गणेश पूजन के लिए गोबर से गणेश जी बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखो मैं कैसे बनाती हूँ, बड़े बड़े से गणेश जी। वैसे तो लोग सिम्बॉलिक बनाते हैं पहाड़ों में, केवल जैसे शिवलिंग होता है ना उस तरीके से, लेकिन मैं आज इसको बनाऊंगी जैसे गणपति की मूर्ति होती ना उस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा गोबर लिया, इसे ऐसा गोल शेप में कर दिया। अब मैं ऊपर की जो भगवान जी का सर है उसे बनाने के लिए फिर से मैंने थोड़ा थोड़ा गोबर लिया। अब मैं इसकी शेप दूंगी उनके फेस के तरीके से, लेट्स सी क्या बनता है। सबसे पहले हम कानों का शेप देंगे, ये हैं इनके कान। इसमें गलती नहीं है, ये गोबर में गड़बड़ी है कुछ। ये गोबर देखो, मतलब बिल्कुल भी लचीला नहीं है। तो दोस्तों, लाख कोशिशों के बाद भी मेरी दीदी का गणेश नहीं बन पा रहा है। दीदी का कहना है कि गोबर थोड़ा हार्ड है। गाय में कोई प्रॉब्लम थी शायद से। गाय का मालिक गाय को पानी नहीं पिलाता है दोस्तों। ये तो भूत लग रहा। गाय से गणेश में भूत लग रहा है। सॉरी, मैं आपको अच्छा गणेश बना दिखाऊंगी। दो मिनट रुक जा, बना रही हूँ दोस्तों। मैं तो खुद भी ऐसे अभी बनाएगी दीदी, रुको। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। अगले बरस में किसी बरस आने हैं। मैंने पिछले साल भी बनाया था, मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दिखाऊंगी मैंने कितना अच्छा बनाया था। लेकिन इस साल इस गाय के गोबर में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गोबर में नहीं, प्रॉब्लम आपकी स्किल में। यहाँ पर कोई साल भर में एक बार बनाएगा तो आई एम नॉट अ परफेक्ट, यू नो, दिस इज नॉट अ स्किल ऑक्यूपेशन। किस एंगल से गणेश लगा रहे हैं? देखो इधर, देखो ये देखो, ऐसे में देखो आप। प्रथमे आपको पूजित हम। दीदी कोई नहीं, नंदी भगवान जी तो बैल है, गणेश जी के पापा के वो है भक्त। मेरा तो क्या है ना, मैं तो सच्चे दिल से बना रही हूँ ना, कोई किसी और ने मुझे सोच मैं कुछ नहीं कर सकती। उल्लू तो भगवान जी बनाएंगे फिर तो। भगवान ने मुझे उल्लू ही बना दिया, मुझे लग रहा एक शेप नहीं दे पा रही मैं कभी। मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हुआ करती थी आज। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद, एक घंटे की मेहनत के बाद अब मेरी दीदी ने बना दिया है गणेश। अब वो उसे देने जा रही है फाइनल लुक। अब हम लगाएंगे गणपति जी को जो प्रिय है, वो है धूप। मुझे तो गणेश जी को देख थोड़ा डर सा भी लग रहा है। Now we are ready. Guys, ये हमारे गणपति जी का फाइनल लुक है और शाम को हम चांद देखकर भगवान जी की पूजा करेंगे। उसके बाद आज मम्मी का फास्ट है तो मम्मी अपना फास्ट खोलेंगे। मिलते हैं शाम को, बाय बाय। गाइस, ये भगवान जी के लिए प्रसाद तैयार हो गया है। संकट चौथ के व्रत पे भगवान जी के लिए जो मुख्य प्रसाद बनाया जाता है वो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। हमने सफ़ेद और काले तिल के लड्डू बनाए हैं और ये कुछ अलग अलग फलों फूलों के पत्तों से भगवान की पूजा की जाती है। तो अब हम चांद को देखकर मम्मी का व्रत खुलवाएंगे। गाइस, और ये चांद ने हमें इतना इंतज़ार करवाया और उसके बाद पीछे देखो बादलों के अंदर छुपा है बीवी। वो देखो गाइस, वो है चांद। लेकिन चांद है, चांद बादलों के बीच में छिपा है देखो। और ये मम्मी अपना व्रत, मम्मी पूजा कर रही है चांद की, इसके बाद मम्मी मम्मी का व्रत पूरा होगा। आइए, मम्मी चांद को जल अर्पण करते हुए। हल्का सा चांद दिख रहा है। हाँ, चलो
साथ में चांद भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। ओ आ गया आ गया मम्मी, तेरा व्रत सफल रहा, देख चांद बाहर आ गया। जैसे तूने देख मम्मी, देख जैसे तूने पानी चढ़ाया चांद बाहर आ गया। आज इन्हें बना है अरबी की सब्जी, हरी सब्जी, दाल, खीर और रोटी। गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्वातीज़ व्लॉग।